रंगों का त्यौहार होली पूरे देश में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। होली के दिन लोग रंगों से सराबोर होते हैं और तरह तरह के रंग चेहरों पर भी लगे होते हैं। कुछ लोग अपने चेहरों पर मुखौटा का भी प्रयोग करते हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से एक चुनौती साबित होता है। जिसको देखते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश जारी किया कि सुरक्षा के विशेष ध्यान दिया जाए। SSP ने पुलिस सहित सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। SSP ने कहा कि होलिका दहन के समय भी पुलिस की पिकेट लगाई जाएगी, जिससे कोई हुड़दंगई ना होने पाए। उन्होंने लोगों से होली पर्व को शांतिपूर्वक व आपसी सद्भाव के साथ हर्षोल्लास से मनाने की अपील की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, एक राष्ट्रीय पर्व है, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी होली मनाई जाएगी और एक परंपरागत तरीका है होली मनाने का। सभी लोग रंग खेलते हैं, निश्चय ही इसके लिए पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। लोगों के चेहरे भी रंगे पुते होते हैं और जैसा कि आप कह रहे हैं, मुखौटे भी लगाते हैं। पुलिस इसके लिए सतर्क है और जो भी इस तरह के VIP इंतजाम हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इम्पर्सोनेशन से बचने के लिए जो आवश्यक कदम हैं, फ्रिस्किंग, चेकिंग, एक्सेस कंट्रोल, आपकी निगरानी व्यवस्था, आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस सिस्टम है, उन सबका यूज़ किया जाएगा और सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा किसी किस्म की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अनुरोध करूंगा कि होली का त्यौहार नज़दीक ही है, भाईचारे, आपसी सौहार्द, अपने हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं। होली कभी नहीं कहती है कि किसी दूसरे को बुरा करके, किसी का बुरा करके या मनाया जाए, बल्कि होली का पर्व जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो पुरानी बातें बुरी हैं उनको भूल करके नया शुरू करना चाहिए। बट कुछ मामलों में देखा जाता है होली में लोग जो है अपनी पुरानी रंजिशें निकालते हैं, वो वैसा नहीं होने दिया जाएगा और पुलिस इस बात के लिए पूरी तरह सतर्क है। हमने पूरा होमवर्क किया हुआ है और एक्स्ट्रा फोर्सेज वगैरह डिमांड की गई हैं और आप देखेंगे होली सभी लोग अच्छे से मनाएं। सर, होलिका दहन के दिन रात में भी काफ़ी शिकायतें मिलती हैं इसके लिए? जी बिल्कुल, होलिका दहन के समय भी बहुत सारा, जैसे अवैध दारू और शराब पी करके लोग बहुत डांस वांस भी करते हैं और लोग आपस में तकरार हो जाती है। मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि होली एक प्यार का त्यौहार है, आपसी सद्भाव का त्यौहार है, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हर्षोल्लास के साथ होली मनाएं। यदि कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून के हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।